अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैजान एंड यू आर वाचिंग स्टडी इन एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक डायमेंशन से रिलेटेड है। डायमेंशन, हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यानी फिजिकल फार्मूलाज की डायमेंशन को फाइंड करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट लेते हैं। v इज इक्वल टू s बाय t। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी के फार्मूले से, और वेलोसिटी का फार्मूला इक्वल होता है v इज इक्वल टू s बाय t। तो इसका हमें यूनिट भी पता है कि एस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। जो डायमेंशंस नॉर्मल यूज होते हैं वो एल एम टी, एल फॉर लेंथ, एम मास के लिए और टी टाइम के लिए यूज किया जाता है, कैपिटल टी। तो इन तीन बेसिक टर्म्स को, डायमेंशंस को मेंशन करने के लिए, डायमेंशंस को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मीटर, मीटर जो हमारे पास यूनिट है वो लेंथ का है, इसके लिए हम एल लगा देंगे, और सेकंड जो यूनिट है वो टाइम के लिए, इसके लिए कैपिटल टी आ जाएगी। अगर इस कैपिटल टी को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से, डाउनवर्ड यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो इसकी पावर का साइन नेगेटिव वन हो जाएगा, यानी माइनस वन हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा टी। तो एल टी माइनस वन, इसमें हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। इसी तरीके से बात कर लें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होती है v अपॉन t के। वेलोसिटी का जो हम कह देंगे यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, और टाइम का अलग से सेकंड है। तो ओवरऑल इसका जो यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। मीटर के लिए डायमेंशन का जो टर्म लगता है यूज होता है वो लेंथ है, क्योंकि मीटर लेंथ का यूनिट है, जबकि एस सेकेंड है, और वो टाइम का यूनिट है, और टाइम पर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एस पर स्क्वायर है। टी को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एल टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। चलते हैं थर्ड उसकी किसी फार्मूले की तरफ, और उसमें हम फार्मूला ले रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए, वैसे नॉर्मल इस एफ का यूनिट न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन इक्वल होता है मास का यूनिट के जी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर के जी, के जी मास का यूनिट है, इसके लिए हम एम के सैंपल को यूज करेंगे मास के लिए, जबकि मीटर लेंथ का यूनिट है, एल यूज के लिए जाएगा, डिवाइड में सेकंड स्क्वायर है यानी टाइम का स्क्वायर। तो अगर इसे सेट कर देते हुए टी को ऊपर शिफ्ट करें तो एल पहले लिख दिया, एम बाद में, और टी जब ऊपर शिफ्ट होगी तो उसकी पावर हो जाएगी माइनस टू, एल एम टी की पावर माइनस टू। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक और फार्मूला पावर का ले रहे हैं। पावर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, बल्कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, पावर को ले रहे हैं वर्क अपॉन टाइम। देखिए इससे पहले हमें वर्क को थोड़ा सा डायमेंशनली प्रूफ करना पड़ेगा। वर्क, वर्क को इक्वल होता है एफ डी के। एफ का डायमेंशन अभी आ चुका है हमारे पास, फोर्स का था ये डायमेंशन, एल डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसी तरीके से निकालना होगा एल एम टी माइनस टू, जबकि इसके साथ एक और डी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, मीटर का यूनिट है, तो डायरेक्ट एक एल इंक्रीज कर देंगे, एल जब एक इंक्रीज होगा तो एल पर स्क्वायर आ जाएगा, एल एम टी पर माइनस टू। ये वर्क का डायमेंशन हो गया। पावर को इसके बाद कर लें, क्योंकि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर होती है। अच्छा जी, पावर के लिए वर्क का डायमेंशन जो ऊपर था एल स्क्वायर एम और टी पर पावर माइनस टू, इसको लिख दिया, नीचे एक टाइम है और नीचे टाइम के लिए एक और टी लिख देंगे। तो अगर इस टी को भी ऊपर शिफ्ट करें तो इसकी पावर भी माइनस वन हो जाएगी, और माइनस वन और माइनस टू से डायरेक्टली माइनस का थ्री आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली टी भी ऊपर शिफ्ट हुई तो उसकी पावर माइनस वन हो गई, और माइनस टू माइनस वन जब एड होती है पावर है तो माइनस टू माइनस वन से माइनस का थ्री आ गया। ये हमारे पास पावर का डायमेंशन था। अब ले रहे थे प्रेशर में, क्योंकि मैंने पी वैसे नॉर्मली प्रेशर के लिए यूज करी थी। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला था, ये था एल एम टी माइनस टू एरिया का। एरिया के लिए एरिया यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सही है जी, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का तो वैसे न्यूटन था, न्यूटन का ये लगा दिया, इसका मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब मीटर है, लेंथ का यूनिट है लेंथ पर स्क्वायर, लेंथ पर स्क्वायर है तो ये ऊपर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा। या आप एक और काम कर लें, एक एल नीचे वाले दो एलो से के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नीचे एक एल रिमेनिंग बचा, जो ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। ये डायमेंशन हमारे पास प्रेशर के आ गए। तो कुछ फार्मूलास यहां पर कवर हो गए, मजीद कुछ फार्मूलास को ले रहे।
एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके डायमेंशन लेने, एस का वैसे मीटर होता है तो इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा मीटर एल। इस साइड पर ले लें तो मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम यानी सेकेंड प्लस वन अपॉन टू, नंबर इंडिकेट नहीं होता डायमेंशन में, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मीटर से रह गया, यहां पर सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया, मीटर प्लस मीटर टू मीटर, और मीटर के लिए नॉर्मल लगेगा एल और डायमेंशन के लिए टू जो है हमारे पास इंडिकेट नहीं होता, तो एल एल के इक्वल आ गया दोनों साइड पर। ये इसके डायमेंशन हो जाएंगे इस इक्वेशन के। ले लेते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के लिए डायमेंशन जो यूज होगा एल और सेकेंड के लिए टाइम, तो एल टी माइनस वन। इसी तरीके से यहां पर मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड और आ जाएगा टाइम के लिए, एक सेकंड से कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड, और टू मीटर पर सेकेंड के लिए जो हमारे पास डायमेंशन यूज होगा टू तो इंडिकेट नहीं किया जाएगा, एल अपॉन एल टी, और ये भी जब एल के बाद टी ऊपर शिफ्ट होगी तो उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। अच्छा जी, एक और इक्वेशन है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी ले लें। टू ए एस इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर टू, नंबर है नहीं इंडिकेट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमारे पास है वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन, मल्टीप्लाई एस, एस के लिए मीटर लेंगे, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर माइनस वी आई वी, मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी है स्पर स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, यहां पर मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड पर डायमेंशन जो हम लेंगे वो हमारे पास आएंगे नॉर्मली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, मीटर के लिए लेंथ का यूनिट है एल, और टी को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो इस पर माइनस टू हो जाएगा, वैसे नीचे टी स्क्वायर आ रहा था ऊपर माइनस टू हो गया। यहां पर अगर करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर मीटर के लिए एल लगा रहे, सेकेंड के लिए टी लगा रहे, एल स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस। अच्छा जी, यहां पर भी जो आ रही है वैल्यू, अच्छा एस के लिए डिस्टेंस था मीटर लगा दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर स्क्वायर हो गया, बाकी ये एल स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर ये बन रहा है। इसमें अगर जो चीज हम देखें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहां पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो इस इक्वेशन के डायमेंशन आएंगे ये टर्म्स नॉर्मली सिंपली वहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां भी कैंसिल हो रहे हैं, vf स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो वेलोसिटीज हैं कैंसिल हो जाएंगी, इसके डायमेंशन सब निकलेंगे, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू ये हमारे पास के डायमेंशन आ गए। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब तक लिया लेने के लिए अस्सलाम वालेकुम।